सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाबर गैस्ट्रिना टैबलेट के बारे में, या फिर आप इसको मेडिसिन भी बोल सकते हो। इसकी क्या प्राइस है और कैसे आपको लेना है, क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, तो ये सारी जानकारियां जो है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम प्राइस से शुरुआत करते हैं। ये 60 टैबलेट की डब्बी आती है जो कि आपको 54 रुपीज़ में मिल जाएगी। और ये जो मेडिसिन है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाई गई मेडिसिन है, और बहुत सारे इसमें जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं जिनसे के बनाई गई ये मेडिसिन है, और 100% वेजिटेरियन है। तो इधर दोस्तों जो वेजिटेरियन लोग हैं वो बिल्कुल इसको आँख बंद करके ले सकते हैं। तो आप इसको खरीदना कहाँ से है, तो कोई भी जो आयुर्वेदिक जो मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से आप खरीद सकते हो, या फिर मैं नीचे लिंक दे दूंगा अमेजोन की, तो घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन आप जो है इसको मंगा सकते हो। तो एक बार जो है डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। हालांकि अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा तो ये मेडिसिन आप घर पर मंगा सकते हो, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आप बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तो इधर दोस्तों आप नाम से समझ गए होंगे गैस्ट्रीना, तो मतलब गैस के लिए जो है काफ़ी यूजफुल मेडिसिन है। इसके अलावा इनडाइजेशन, अगर आपको इनडाइजेशन की शिकायत है, अगर खाना वगैरह आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसमें भी काफ़ी यूजफुल है। पेट वगैरह दर्द होता है, पेट में जलन होती है, आपको डकार वगैरह आती है, और दोस्तों पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो उसके लिए काफ़ी यूजफुल मेडिसिन रही है डाबर की गैस्ट्रीना। तो एक बार आप इसको ले सकते हो, काफ़ी सस्ती मेडिसिन और 54 रुपीज़ की है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। और साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये। जैसे कि आप एलोपैथी मेडिसिन लेते होगे तो, लेकिन एलोपैथी मेडिसिन के दोस्तों आपको पता है साइड इफ़ेक्ट है, किडनी में भी काफ़ी जो है इफेक्ट करती हैं जो एलोपैथी मेडिसिन होती हैं, लेकिन ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो आप एक बार इसको लेके देख सकते हो अगर आपको पेट से रिलेटेड या गैस से रिलेटेड कोई बीमारी है। तो चलिए अब हम डोज के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर 13 साल से ज़्यादा उम्र है आपकी, तो 1 से 2 टेबलेट आप सुबह शाम ले सकते हो खाना खाने के आधे घंटे बाद, 13 साल से ज़्यादा उम्र है तो। तो दोस्तों अगर 13 साल से कम उम्र है, 13 साल से कम मतलब 5 से 13 साल की उम्र है, तो आधी आधी टेबलेट आपको सुबह शाम खानी है एक दिन में, मतलब 2 बार हम बोल सकते हो आधी आधी टेबलेट अगर 5 से 13 साल उम्र है तो। तो दोस्तों इधर डोज जो है अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो 24 घंटे में सिर्फ 1 टेबलेट लीजिए, और अगर 13 साल से कम उम्र है तो सिर्फ आधी टेबलेट लीजिए। तो ये डोज जो है दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग भी जो है आप देख सकते हो, ले सकते हो। तो इधर डोज के बारे में आपको पता लग गया दोस्तों, तो मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, लेकिन अगर प्रेग्नेंट कोई लेडी है, लेडी को प्रेगनेंसी है, तो उनको ये नहीं लेना है, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना है। तो क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है दोस्तों अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन हम नहीं देते हैं, ना ही लेडीज लोगों को खाना चाहिए। अब इधर मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, बाहर का ज़्यादा खाना खाते हैं, ऑयली खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो दोस्तों ये सब जो है आपको कम या तो बंद करना पड़ेगा अगर इस मेडिसिन का अच्छा खासा फ़ायदा लेना चाहते हो तो। क्योंकि एक तरफ तो आप मेडिसिन ले रहे हो और एक तरफ खूब मसाले वाला खाना खा रहे हो, समोसे खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, तो दोस्तों आपको मेडिसिन का उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, या तो हो सकता है बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये सब थोड़ा बहुत परहेज करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मेडिसिन से ही हम एकदम ठीक हो जाएंगे। अगर ठीक भी हो जाओगे दोस्तों तो मेडिसिन फिर से जैसे ही बंद करोगे तो फिर से आपको बीमारी हो जाएगी। तो इधर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डाइट में जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, और समय पे खाना, समय पे सोना, 8 घंटे की पूरी नींद लेना, ये सब जो है आपको करना पड़ेगा अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो इस मेडिसिन का। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस मेडिसिन के क्या फायदे हैं, और मेरी एडवाइस जो है जो मैंने दी है उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। अभी इधर बात करें रिजल्ट कब तक मिलेगा, तो दोस्तों 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट पता लग जाएगा, और 1 महीने में आपको अच्छा खासा बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये बीमारी जैसे खत्म हो जाती है तो आप मेडिसिन लेना भी बंद कर सकते हो, जो मैंने एडवाइस दी बस उसको फॉलो करिए। और भविष्य में अगर आपको फिर से इस टाइप की बीमारी होती है तो आप जो है फिर से इस मेडिसिन को लेना चालू कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो ना, तो एक्सरसाइज वगैरह भी करिए, काफ़ी अच्छी होती है एक्सरसाइज हमारे हेल्थ के लिए। और एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉकिंग वगैरह करिए, सुबह शाम जब भी समय मिल जाता है थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करिए। तो इससे क्या रहेगा दोस्तों, आपको ये मेडिसिन का फ़ायदा भी मिलेगा, और हो सकता है कि भविष्य में आपको कोई भी मेडिसिन ना लेना पड़े। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस मेडिसिन को लेकर, तो प्लीज़ जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस टाइप अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हो हेल्थ से रिलेटेड या आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड, तो प्लीज जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए, वो देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।